हाँ ये बड़ी गड़बड़ है। हाँ तो ये ध्यान रखिएगा आप, तो इसीलिए आपको क्लियर होना चाहिए, मैं टेंशन क्यों चाहता हूं, नहीं चाहता जीवन के अंदर। व्हाई डोंट आई वांट टू बी पुअर, व्हाई डोंट आई वांट टू बी अनहेल्दी, व्हाई डोंट आई वांट टू बेसिकली फेल, व्हाई डोंट आई वांट टू नॉट टू फेल, नॉट टू हैव टेंशन, नॉट टू बी पुअर, नॉट टू बी लेस नॉलेजेबल। क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरा गोल अटेंड करने में प्रॉब्लम करेगी, राइट? और गोल अटेंड करूंगा तो उसके बाद क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन। इस पर टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होता है तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम आएंगी, हम आगे क्या होंगे एकदम अलग 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 उस पर लेवल्स पर चल रहे होंगे। अभी मैं सबकी ट्यूनिंग कर रहा हूं कि हम एक ही ट्रांजिस्टर होता था ना पहले, तो एक ही चैनल एक ही उस पर आ जाए, फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे तो क्या होगा, नहीं तो फिश मार्केट हो जाएगा। नाउ दैट फिश मार्केट विल बी इन योर माइंड, रिमेंबर वन थिंग, वो फिश मार्केट कैसा होगा? मानसिक। आपकी तरंगें अलग चल रही हैं, उनकी तरंगें अलग चल रही हैं, तो यहां मेरी तरंगें अलग चल रही हैं, तो आपस में क्या करेंगे, ये क्लैश करेंगे, ये क्लैश करेंगे। जब भी कई बार आता है, ये कहा जाता है कि फ्लाइट्स ज्यादातर वही गिरती हैं जिसके अंदर की 60% लोग ये सोच रहे हो कि ये गिर जाएगी, 60% लोग अगर ये सोच रहे हो कि ये गिर जाएगी तो जाते हो फ्लाइट क्या होती है, क्रैश कर जाती है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि हम नहीं चाहते कि ये हमारी दो दिन की फ्लाइट क्रैश करे, तो हम चाहते हैं कि सबकी वेवलेंथ एक आए। तो अभी तक हम इस बात पे तो आ रहे हैं कि हम लोग सेटिस्फाइड टेंशन फ्री क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि टेंशन फ्री रहेंगे तो हम अपने गोल को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन रहता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो गोल अटेंड करना आसान होता है, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए परंतु हम ये सब क्यों चाहते हैं, हम अल्टीमेटली क्यों चाहते हैं चीजों को, अल्टीमेटली हम इस चीजों को इसलिए चाहते हैं कि हमें जब गोल अटेन हो जाएगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। एक्चुअली सेटिस्फैक्शन भी गोल नहीं है, सेटिस्फैक्शन भी गोल नहीं है। तो अब हम आते हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ अस एग्री ऑन वन पॉइंट दैट टू बी सक्सेसफुल मीन्स टू बी हैप्पी। ज्यादातर लोग कहते हैं All these things जो आपने mention करी है ये goals हैं, क्या है, being victorious goal, fulfilling goal तो goal है ही, ये सारे goals हैं। सबके goal अलग हैं कि एक हैं? हैं? सबके goal एक हैं कि दो हैं? Student का goal same है, इंटरव्यू देने जा रहा है उसका गोल सेम है, जो काम कर रहा है बिजनेस कर रहा हो या सर्विस कर रहा हो उसका गोल सेम है, जो मिड एज में पहुंच गया है उसका गोल सेम है, जो रिटायर हो गया है या रिटायर होने वाला है उसका गोल सेम है, या जो रिटायर हो चुका है उसका गोल सेम है। सबके गोल अलग अलग है कि एक है? अंडरलाइन होता ही नहीं जी, एक ही है। This is a big problem because when I'm this is not only with you. I have found in the highest intellectual level, which we call the IITs. I have found there also. जब बैठ के बात करता हूँ तो उनसे सीधा पूछता हूँ गोल क्या है लाइफ का, तो सबके अलग 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 अलग। तो ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि मैं बॉम्बे में था, I was preaching, teaching to, I was talking to two youngsters. एक लड़के ने MIT से इंजीनियरिंग कर रखी थी और एक ने MBA किया था Kellogg's, तो दोनों एक बहुत बड़े स्वीट मीट शॉप वाले हैं बॉम्बे के, इट्स गॉट मोर देन 100 शॉप्स इन बॉम्बे, नाम मैं स्पेसिफिकली लेता नहीं क्योंकि फ्री में मार्केटिंग क्यों करूं, नहीं ऐसी बात नहीं है, समटाइम्स लुक गुड। तो वो दोनों के दोनों मेरे साथ बैठ, हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे यही पूछा दोनों से, मैंने कहा तुम्हें गोल मालूम है लाइफ का, कम ऑन Absolutely clear, crystal clear what we want to get. अच्छा, are you absolutely clear? एकदम कोई doubt नहीं है, बोलते ऐसे doubt हो तो आपने आगे कैसे पहुंचेगा? ठीक है, मैंने कहा आप बताइए जो MIT किया था, इनकी 6-7 फैक्ट्रियां और हैं, स्वीटमीट नहीं बनाते उस फैक्ट्री के अंदर, डिफेंस के लिए बनाते हैं और मोनोपोली, और जो बिजनेस करते हैं या जानते हैं इस बारे
मोनोपोली आइटम अगर किसी बिजनेसमैन को मिल जाए तो ऐश ही ऐश होगी, है ना प्रभु जी? और डिफेंस को सप्लाई कर रहा है, उसके मतलब पैसे कमी नहीं, क्योंकि एक डिफेंस ऐसा है जिस कंट्री का भी हो वहां कभी बजटिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती। हेल्थ के लिए कम कर देंगे, एजुकेशन के लिए कम कर देंगे, सबके लिए कम कर देंगे, परंतु डिफेंस के लिए कभी कम नहीं करते। तो कह लेगा मैं चाहता हूं ऐसी मेरी 25-30 फैक्ट्रियां, आई एम नॉट वेरी ग्रीडी, मुझे कहना है आई एम नॉट वेरी ग्रीडी, मेरे को 25-30 और ऐसी फैक्ट्री है मोनोपोली वाली एंड सप्लाई टू डिफेंस, और किसी मिनिस्ट्री में नहीं फंसना चाहता। अच्छा, यू आर क्लियर अबाउट योर गोल? एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, दूसरे वाले से पूछा, वो हैंडल कर रहा था इनकी मिठाई, जो एमबीए करके आया था, इंजीनियरिंग वाला, इंजीनियरिंग साइड में था। मैंने कहा तेरी इच्छा क्या है? बोलता है आई एम ऑल्सो वेरी क्लियर, आई वॉन्ट अ फ्यू थाउजेंड शॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, यू क्लियर? एब्सोल्युटली। मैंने कहा मैं तुझे चेंज कर दूं तो? बोले कर ही नहीं सकते आप मुझे चेंज, कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं कि मैंने कहा कह रहा हूं मैं आशीर्वाद ऐसा दे नहीं रहा, मैंने कहा तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा काम अभी इसी क्षण पूरा हो जाएगा और साथ में तुम्हें कैंसर फोर्थ स्टेज का मिलेगा, एक्सेप्ट करोगे और मरोगे नहीं। आर यू क्रेजी? आई डोंट वॉन्ट, मैंने 25-30 फैक्ट्री नहीं चाहिए। बोले नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा तुझे 1000 दुकान नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। मैंने कहा तेरे तो गोल चेंज हो गया, तू कह रहा था गोल का मतलब वो होता है कि एनी सर्कमस्टांसेस आई वांटेड आई शुड गेट इट। ये गोल का मतलब होता है कि आप हर परिस्थिति में कैसा भी हो आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा आप जिसको गोल कह रहे हो वो प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक बहुत बड़ी गलती मींस हम मींस को गोल मान लेते हैं, हम तरीके को गोल मान लेते हैं। मुझे जनरल मैनेजर बनना है, मुझे टॉप पे आना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस चीजों को हमने गोल बना लिया लाइफ के अंदर, जबकि ये गोल नहीं है। ये क्या है प्रभु जी? मींस है। गोल क्या है? सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस। द गोल इज, गोल कैन नेवर चेंज। प्लीज फॉर गॉड्स सेक रिमेंबर वन थिंग, आज क्रिकेट आपको सॉरी हॉकी और फुटबॉल के बारे में मालूम है जी, गोल चेंज होता है, एक ही रहता है, एक गोल मारा गोल पोस्ट चेंज कर दिया, ऐसा होता है? गोल एक रहता है, दो हो जाते हैं, गोल एक ही रहता है, गोल कभी दो नहीं होते, गोल एक ही रहता है। और आप क्या करते हो उसी गोल में बार बार, सेम मींस से अलग अलग मींस से, जो मूव्स होती हैं वो अलग अलग होती है हर गोल मारने की, परंतु लक्ष्य जो है उसका वो एक है। इज वॉट गोल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई टीम मींस कोई गोल मान ले वो टीम का क्या होने वाला है? मतलब वो खेलने से पहले हार गई, क्योंकि गोल के सामने आके उन्हें वापस चली जाएगी। अरे क्या कर रहा है? गोल कर? नहीं नहीं, गोल हैज टू बी क्लियर। गोल हर टाइम, गोल दो होता ही नहीं है, गोल एक होता है, और मींस कैन बी 1-2 इनफाइनाइट, बट द गोल इज। Now, if you got any doubt, here I'm asking you, because इससे आगे बढ़ने से पहले हमें एकदम absolutely clear होना पड़ेगा कि means तरीके और लक्ष्य में फर्क है। तरीका गोल नहीं है, please। अब तरीके भी बात करेंगे, क्योंकि हर तरीका गोल तक लेकर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्या कारण है? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर टेंशन नहीं है उस व्यक्ति का जीवन वैसे ही सफल हो गया, क्योंकि उसे प्रोडक्टिविटी प्रभु जी 100 times इंप्रूव हो जाती है। ध्यान रखिएगा 1-2 times नहीं होती। स्ट्रेस वर्ड मुझे इसलिए यूज करना पड़ गया क्योंकि ज्यादातर आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट। I'll just explain this word now because ये बीच में आया, सक्सेस के बारे में बात होगी। सक्सेस का सीधा मतलब है we don't want to is to be happy, finished, there is no other meaning of success. Is there any other meaning? Would you like, अभी my wife had gone to a shop,
तो वहां कोई बैठा हुआ था साथ में, कोई लेडी थी, फिर ये जब लेडी चली गई तो शॉप ओनर ने इसे कहा